मन्नत मानने से रिलेटेड विचार बार बार क्यों आते हैं और इन विचारों से किस तरीके से हमें छुटकारा मिल सकता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। हेलो दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो धार्मिक ओसीडी है, रिलीजियस ओसीडी है, उसके अंदर हमें बार बार भगवान से मन्नत मांगने का विचार, बार बार मत्था टेकने का विचार हमें क्यों आता है और इसमें हमें इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स क्यों होती है। इसमें सबसे बड़ा रीज़न जानने वाला यही है कि इसके अंदर हमें इनसिक्योरिटी की भावना क्यों फील होती है। अब नॉर्मली लोग बोलते हैं कि बार बार भगवान के हाथ जोड़ूं या बार बार भगवान के आगे मत्था टेकूं, तो ये एक दो तीन चार बार तक तो ठीक है, परंतु सारा दिन अगर फिर भी उन्हें कोई भी विचार दिमाग में आ गया किससे रिलेटेड या कोई बात, तो वो जाएंगे झट से और सारा काम धाम छोड़ के अपना जाके मत्था टेकेंगे पहले और फिर वो बोलेंगे, तो वो इसी मानसिक उलझन में उलझे रहते हैं और उन्हें ये जो मानसिक उलझन है वो उन्हें पूरे मेंटली रूप से डिस्टर्ब कर देती है। पीछे के बहुत सारे वीडियोज़ में हमने बात किया है कि हम पूजा पाठ करते हैं, भगवान से मन्नत मांगते हैं, ये कुछ हद तक तो हमारे लिए ठीक है, परंतु ये उस लेवल को अगर क्रॉस करके आगे बढ़ जाता है तो फिर ये हमारा रिलीजियस ओसीडी का एक पार्ट बन जाता है और धीरे धीरे ये बहुत ही खतरनाक रूप ले लेता है। तो फिर इसके अंदर क्या होता है कि जो इंसान है वो पूरा दिन इसी से रिलेटेड बात करता है और इसी के बारे में ही सोचता है और उन्हें अपनी रोज़मर्रा की लाइफ से रिलेटेड उन्हें किसी तरीके की कोई सुझाव नहीं चाहिए, बस वो अपने इसी विचार में उलझे रहते हैं। अगर आप किसी की कोई भी उनके सामने बात करते हो तो वो उस बात को भगवान के दृष्टिकोण से जोड़ के और उसमें खुद से फिर माफ़ी मांगते हैं भगवान से, कि बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा सोचने से तो मेरे को पाप लग जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर मैंने भगवान का इस बार दिमाग में नहीं सोचा, अगर मत्था नहीं टेका, अभी मेरे को ये एक विचार आया है और अब इस विचार पर मैंने अगर मत्था नहीं टेका या जाके हाथ नहीं जोड़ा तो फिर मुझे पाप लगेगा, तो फिर वो इसी उलझन में रहता है। और जब तक वो मत्था नहीं टेक लेता तब तक दो तीन चार घंटे वो इतना इस हद तक परेशान रहता है कि उसको एंग्जाइटी बढ़ती रहती है और मेंटली रूप से वो डिस्टर्ब होने लग जाता है। तो बहुत सारे लोग तो बोलते हैं कि जी हाथों पैरों में हमारे सुन्नापन भी आ जाता है और हमारी आंखों के आगे अंधेरा भी छा जाता है, पेट में एक तरीके की जकड़न सी हो जाती है और ऐसा दिल करता है कि अभी के अभी हमें उल्टियाँ जैसे आने लगेगी। तो इससे ये सिम्टम्स हैं हमारे एंग्जाइटी के, ये उनके ऊपर कहर बरपाते हैं, तो इस चीज़ से उन्हें जितना जल्दी हो सके बचना चाहिए। इस चीज़ को सबसे पहले तो फाइंड आउट करें कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर कोई भी विचार आ गया तो उसमें भगवान का तो उसमें कोई वो है नहीं कि हमने अगर कोई किसी ने गलत किया है तो उसको अगर हमने सोच लिया, वो बात हमने सुनी और सुनते ही हमने सोच ली, तो सोचने के बाद में खुद से वो इस पर सॉरी फील करेंगे, जाके मन्नत मांगेंगे, इसमें वो इस तरीके की एक्टिविटी करेंगे जो उनके खुद के लिए हानिकारक हो, तो इस चीज़ से वो इस तरीके से पूरी तरह से जकड़ जाते हैं और एक स्टेज में आने के बाद उन्हें खुद से अनुभव होने लग जाता है कि ये जो सिस्टम चल रहा है ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। अब वो उससे छुटकारा तो पाना चाहते हैं पर उन्हें दूसरी दफ़ा ये डर लगता है कि अगर मैंने भगवान को मत्था नहीं टेका, अगर मैंने नाम नहीं लिया, अगर तीन बार मैंने किसी मंत्र का उच्चारण नहीं किया तो फिर मुझे इसमें ये प्रॉब्लम होने लग जाएगी, परंतु वास्तविकता में तो ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी ओसीडी में मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ जानने वाली एक होती है ओसीडी में, क्या कि जो आप कर रहे हो वो गलत है। क्या ऐसा कोई विधि का विधान बना हुआ है? नहीं। क्या ऐसा किसी ने बताया हुआ है कि इस तरीके का रूल है? नहीं। तो फिर आपने ऐसे रूल क्यों बना रखे हैं? वो अपने आपके लिए आपने खुद के क्राइटेरिया बना रखे हैं कि अगर किसी तरीके की कोई एक्टिविटी होगी तो मैं जाके मत्था टेक लूँगा, मैं जाके हाथ जोड़ दूँगा, मैं प्रे करूँगा, तो ये क्राइटेरिया आपने खुद से तय कर रखे हैं और आपने इस लिमिट के अंदर अपने आप को बांध के रखा हुआ है। तो इस लिमिट को जितना जल्दी हो सकते हैं आप इसको तोड़ें। इसे आप तोड़ सकते हो साइकोलॉजिस्ट की मदद से, काउंसलर की मदद से। तो जितना जल्दी हो सके आप साइकोलॉजिस्ट से या काउंसलर से परामर्श लें और उनको बताएं कि आपको इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि जितना आप खुल के इसके बारे में बखान करेंगे उतना बेनिफिट आपको अपने काउंसलिंग सेशन, साइकोथेरेपी सेशन में इसमें मदद मिलेगा। तो अगर आपको भी इससे रिलेटेड या इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जल्द से जल्द सेशंस लें और ऑनलाइन और ऑफलाइन हमारे भी कोर्सेज अभी अवेलेबल कर दिए गए हैं, आपकी इसमें बहुत अच्छी तरह से हेल्प की जाएगी। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।